बच्चों, आज हम पीएच स्केल और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी भी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था और ये स्केल कहलाता है हमारा पीएच स्केल। मतलब पीएच स्केल बताता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। तो बच्चों, यहाँ आप देखिएगा कि ये जो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है और वह उदासीन होता है, और 0 से लेकर ये 7 तक जब हम आते हैं तो ये सारे अम्ल के पीएच मान होते हैं। मतलब जैसे जैसे आप 7 से नीचे जाते जाएंगे तो दुर्बल अम्ल आना शुरू होंगे और फिर बाद में 0 तक जाते जाते प्रबल अम्ल आने लगेंगे। मतलब 7 से नीचे जाने पर, मतलब 7 से 0 की ओर जाने पर हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में होती हुई क्रमशः वृद्धि ये बताएगी कि अम्लीय व्यवहार बढ़ रहा है, अम्ल प्रबल होता जा रहा है और उसी समय हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण में कमी भी होगी। अब बच्चों, अगर क्षार के पीएच मान की बात करें तो वह 7 के बाद 14 तक ये क्षार के मान को प्रदर्शित करेगा, क्षार के पीएच मान को प्रदर्शित करेगा, जिसमें जैसे ही हम 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो दुर्बल क्षार आते जाएंगे और उसके बाद में 11, 12, 13, 14 पर जाकर ये प्रबल क्षार होंगे। अर्थात इस समय हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में इनकी कमी होगी और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि जो पीएच स्केल है, जिसमें पी एक सूचक है, पुसांस ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है शक्ति, जिसका अर्थ है शक्ति। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण से इसका संबंध है और किसी भी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको ज्ञात करने का ये स्केल है जिसे हम पीएच स्केल कह रहे हैं। इसमें जो 0 है वो अधिक अम्लीयता को बता रहा है और वहां से लेकर 14 तक, और 14 किसको बता रहा है, अधिक क्षारीय को बता रहा है। यहां तक कि आप पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों, जो सामान्य इंडिकेटर होते हैं या सामान्य सूचक होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी दिया गया सब्सटेंस अम्लीय है या क्षारीय, जैसे कि लिटमस पेपर वगैरह होते हैं तो ये बताते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। परंतु ये कितना प्रबल अम्लीय है या कितना दुर्बल अम्लीय है या कितना प्रबल क्षारीय है या कितना दुर्बल क्षारीय है, इसकी इन्फॉर्मेशन वो सामान्य सूचक हमें नहीं दे पाते। तो इसके लिए बच्चों हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करना पड़ता है, सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करना पड़ता है जो हमें किसी विलयन का पीएच मान बताते हैं। तो ये विलयन का जो पीएच मान बताते हैं तो उससे पता चलता है कि कोई भी विलयन जो हमें दिया गया है वो कितना प्रबल या दुर्बल अम्ल या क्षार है या वो उदासीन है। तो बच्चों, जो सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स या डाइस का मिश्रण होते हैं जो पूरी पीएच स्केल पर क्या करेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग पीएच वैल्यूज पर अलग अलग कलर देंगे जिससे हम उसकी पहचान कर पाएंगे। तो बच्चों, आप यहां पर मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर से पीएच वैल्यूज के आधार पर विलयन के बारे में पता करना कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है या प्रबल क्षार है। तो इससे संबंधित एक प्रायोगिक वीडियो हमने पहले चैनल पर अपलोड किया हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो आपका जो सार्वत्रिक हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक होता है उसमें ये यहाँ आपका ये इस तरह से एक स्ट्रिप होती है और इसमें
ये ऐसे ऐसे येलो कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स या डाइस का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि पूरी पीएच स्केल पर अलग अलग पीएच वैल्यूज पर अलग अलग कलर देगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर आप इस सार्वत्रिक सूचक को या यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर आप अम्ल में डुबोते हैं, जैसे कि आप यहाँ HCl अम्ल में अगर आप इसको HCl अम्ल की एक ड्रॉप इसके ऊपर अगर डालेंगे तो ये डार्क रेड कलर बनाएगा, और जो डार्क रेड कलर बनाएगा तो ये डार्क रेड कलर तो ये यहाँ आ रहा है, तो मतलब ये इसका जो pH होगा वो एक और दो के बीच में होगा कहीं, तो हम कहेंगे कि ये प्रबल अम्ल है। अगर इस पर आप, तो देखिए इस तरह का ये कलर आएगा, ये प्रैक्टिकली हम इसको चैनल पर अपलोड पहले कर चुके हैं। और अगर इस पर आप नींबू पानी, जिसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, वो अगर आप डालेंगे तो ये इस तरह से ऑरेंज रेड आपको कलर देगा। तो जो ऑरेंज रेड कलर देगा तो फिर इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 2 से 3 के बीच में लगभग होगा, और ये हम कहेंगे कि ये एक ये भी आपका एक अम्ल है जो अपेक्षाकृत जो आपका HCl अम्ल है उसकी तुलना में कम प्रबल है। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखें तो हम फिर इसको NaOH क्षार में अगर डीप करते हैं तो हम पाते हैं कि जो NaOH क्षार के साथ में ये इस तरह से हमारा थोड़ा बैंगनी रंग देता है, और ये 13 से 14 के बीच में इसका पीएच लगभग लगभग आता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रबल क्षार है। और जब आप इसको शुद्ध जल में डीप करते हैं तो ये शुद्ध जल में ये ग्रीनिश होता है, मतलब हरा रंग देता है, तो ये हमें बताता है कि इसका ये जो 7 पर ये ग्रीनिश आप देख लीजिए, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 है और ये उदासीन है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं जो हमें किसी विलयन का पीएच मान बताता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। उससे हमें पता भी चल जाता है कि कौन सा अम्ल या क्षार कितना प्रबल या अपेक्षाकृत कम प्रबल या दुर्बल है। जैसे आप अगर बात करें तो सांद्र HCl के लिए अगर आप बात करें तो सांद्र HCl की पीएच वैल्यू आपकी 0 है और वो प्रबल अम्ल है। उसके साथ में अगर हम देखें तो जो हमारा जठर रस है तो जठर रस में आपकी पीएच वैल्यू है 1.2, तो ये भी प्रबल अम्ल है। और जो हमारा नींबू का जो रस है उसका भी पीएच कितना है, 2.2 है, तो यह भी सांद्र HCl और जठर रस की तुलना में थोड़ा कम प्रबल है। और उसके बाद में अगर आप जल के लिए जाएं तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 है, और शुद्ध जल क्या है, हमारी पीएच स्केल के हिसाब से ये उदासीन है। बच्चों जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 है, मतलब वो थोड़ा सा क्या है, क्षारीय है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसकी पीएच वैल्यू 10 है, तो वो भी क्षारीय है। और सांद्र NaOH जिसका भी हमने यहाँ जिक्र किया है, सांद्र NaOH का, तो इसका जो पीएच मान है वो लगभग 14 के आसपास है, तो ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो इस तरह से ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये हमें किसी विलयन का पीएच वैल्यू बताता है। और पीएच वैल्यू जो है वो क्या बताती है, कि किसी विलयन में कितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हुआ, हाइड्रोजन आयन का जब सांद्रण उसमें बढ़ता जाएगा तो वह उसकी अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में कमी जो है उसकी बढ़ती हुई क्षारीयता को बताएगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पीएच स्केल का महत्व समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। बच्चों जो पीएच स्केल है
वो हमारे पाचन तंत्र का जो हमारा पीएच है, हम उसका भी, वो दैनिक जीवन में अगर हम पीएच के महत्व की बात करें तो हमारा जो स्टमक है या हमारा जो उदर है, वो आपको पता है कि वो एससीएल अम्ल को उत्पन्न करता है और ये अम्ल हमारे पाचन में सहायक है। इसका पीएच लगभग 1.4 के आसपास होता है। और बच्चों, जो अपच की स्थिति में क्या होता है, इसकी मात्रा, एससीएल अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है, जिससे हमारे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। तो बच्चों, आपको पता है कि जब पेट में जलन और दर्द होता है, हम कहते हैं कि ये एसिडिटी बढ़ गई है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे शार्कों का उपयोग करते हैं। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड। तो जैसे एंटासिड में आप मिल्क आप मैग्नीशिया यूज़ कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षारक आप उपयोग में ला सकते हैं, जो ये बढ़ते हुए जो बढ़ा हुआ अम्ल है इसकी अधिकता को वो उदासीन कर देगा। तो आप ऐसे में एंटासिड का यूज कीजिए और एंटासिड में आप ले सकते हैं मिल्क आप मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा आदि को आप दुर्बल क्षारक का उपयोग में ला सकते हैं। अब बच्चों, जो हमारा पीएच है, जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, वो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को भी हमें यहां समझना होगा। बच्चों, जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जब हम शुगरी भोजन करते हैं तो उसके बाद मुंह में जो हमारा अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका वो ब्रेकडाउन करके, मतलब निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर हम शुगरी भोजन लेते हैं तो मुंह में जो अवशिष्ट शर्करा होता है वो, और जो खाद्य पदार्थ है उनको वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, उनको निम्नीकरण करते हैं और वहाँ अम्ल उत्पन्न करते हैं। और बच्चों, मुंह में, मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो अम्ल बनता है, जैसे आपका लैक्टिक एसिड, आप इसको बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जैसा अम्ल यहां बनता है, तो ये हमारे दांतों के इनेमल पर अटैक करता है। अब बच्चों, क्या है कि दांतों के इनेमल पर जब अटैक करता है तो यही दंत क्षय का कारण बनता है। दांतों का जो एक्चुअल इनेमल होता है, दांतों का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। लेकिन पीएच कम होने पर इसका भी क्या होता है, क्षरण होने लगता है। तो पीएच आपका 5.5 से कम होने पर यह दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि हम सामान्य तौर पर करते हैं। तो बच्चों, हमने ये पीएच के बारे में और जाना। अब आप ये देखिए कि पीएच में हमारा जो तीसरा, जो हमारे दैनिक जीवन में महत्व की बात करें तो वो है पीएच परिवर्तन के प्रति पौधों और जंतुओं की संवेदनशीलता। बच्चों, अगर हम देखें तो जो मिट्टी के पीएच की बात करें हम, तो हमें पता है कि 7 पर तो वो उदासीन है और 7 से कम पर मिट्टी की प्रकृति लो पीएच वाली हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे अम्लीयता बढ़ गई, एसिडिक भी नेचर हो गया मिट्टी का। और अगर वो 7 से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि हाई पीएच हो गया, तो उसका बेसिक नेचर हो गया। तो हमारा शरीर भी क्या करता है कि 7 से 7.8 तक के पीएच परास के बीच में ही काम करता है। जो जीवधारी होते हैं उनका शरीर बहुत बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होता उसका पीएच, मतलब पीएच का बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होता। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है तो 7 to 7.8 है, इसके बीच में ही काम करेगा। तो हम जीवित प्राणियों का बहुत नेरो पीएच रेंज होता है और उसी में हम जीवित रह सकते हैं। और उसके साथ में जो वर्षा जल का जो पीएच है, मान लीजिए प्रदूषण के कारण वर्षा जल में कुछ हानिकारक तत्वों के मिलने से पीएच वैल्यू जब कम हो जाती है
तो हम कहते हैं कि यह हानिकारक अम्लीय वर्षा है। तो ऐसे में पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम कहते हैं ये अम्लीय वर्षा है। तो बच्चों, जब ये अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच भी कम हो जाता है, तो वहां जो जीवधारी रह रहे हैं उनके जीवन के लिए भी बड़ी मुश्किल वहां हो जाती है। तो बच्चों, जो हमने समझा कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी अगर बात करें तो अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनका जो पीएच है वो 7 के आसपास होता है, मतलब वो अच्छा ग्रो करते हैं 7 के आसपास। और यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो गई या बहुत अधिक क्षारीय हो गई तो प्लांट्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। रासायनिक खाद जो हम यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उससे भी पीएच पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें अम्लीयता आ जाती है, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि उसमें क्विक लाइम या स्लेग्ड लाइम, जिसको हम कहें कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह या कैल्शियम कार्बोनेट चूना वगैरह मिलाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उसका जो पीएच है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उसकी जो एसिटिक नेचर होता है वो कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लगभग 8 के आसपास, 8.3 के आसपास वो निकल जाता है और मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो ऐसे में हमें यूं कहें कि हमें उस समय थोड़े से कंपोस्ट वगैरह, या कहें कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी हैं, तो कंपोस्ट वगैरह का हमको उपयोग ऐसे समय में करना चाहिए। अब पीएच के महत्व में एक और बात हम कर लेते हैं कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे पौधे और जो पशु होते हैं वो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए उनके शरीर में पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड्स छोड़ देते हैं। जैसे मधुमक्खी या चींटी जो है वो अपने डंक के साथ में क्या करती है, एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, उसके उपचार के रूप में हमें थोड़ा सा जो कहते हैं कि एक दुर्बल क्षार बेकिंग सोडा का हमें उपयोग कर लेना चाहिए, और बेकिंग सोडा उस जगह पर हम रब करेंगे तो वो हमें उससे राहत प्राप्त होगी। पौधों में नेटल जो है एक जंगली पौधा है, और उसकी जो उसमें भी ये है कि उसमें उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, और ये हेयर या बाल जो होते हैं ये छूने पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे हाथों में जलन वगैरह होने लगती है, तो उसका भी हम यही उपचार करेंगे कि थोड़ा सा कम क्षारीय जो भी हमारा जैसे बेकिंग सोडा वगैरह है उसका हम उपयोग वहाँ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और पीएच के बारे में चर्चा की, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पर हमारा वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है, आप अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।